बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। वेलकम टू द रिकॉर्डेड लेसन। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, विच इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ यूनिट 2, एक्सप्लेनिंग इवेंट्स थ्रू मैप्स। यानी कि मैप्स के थ्रू इवेंट्स बताए जाएंगे के, और इवेंट्स ऑब्वियसली डेफिनेटली पहले के इवेंट्स होंगे, जैसे कि फर्स्ट मैप आपको शो कर रहा है प्री पार्टीशन इंडिया मैप, जब पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था। एज यू ऑल नो, मैप गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम बहुत से इवेंट्स जो हैं मैप के थ्रू लर्न भी कर सकते हैं कि कितना एरिया कवर था पहले और कितना बाद में पार्टीशन के बाद किस कंट्री के हिस्से में आ गया। इन सेकेंड मैप, दिस इज़ द फ्लड शोइंग मैप। इसमें आपको कलर्स के हिसाब से ये पता चलेगा कि किस हिस्से में ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी, कौन से हिस्से में कम फ्लडिंग हुई थी, और कौन से हिस्से बिल्कुल फ्लडेड एरियाज, मतलब कंप्लीट ही फ्लड में चले गए थे मुकम्मल तौर पे। दिस इज़ द मैप शोइंग फ्लड्स इन 2010 अफेक्टेड ऑल द प्रोविंसेस। इस मैप के ज़रिए आपको ये पता चल रहा है पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया कब कितने हिस्से में कितना फ्लड आया, और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि उसमें कितने लोग अफेक्ट हुए थे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको याद हो तो हमने, जब मैंने आपको एटलस दिखाया था तो उसमें हमने डिफरेंट मैप्स को स्टडी किया था। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, और इसका काम आप अपनी कॉपी में बहुत सफाई से करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।